नुकसान बहुत अच्छा खासा किया है। ये देखिए पूरी वायरिंग खोल रखी है भाइयों ने। ये देखो ये भी यहाँ तक ये भी खा रखी है उन्होंने। मैंने ऑर्डर कर दिया था तो आज वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल रावत राइडर पंकज होकर। तो हम सभी अच्छे होंगे और आए हुए हम गाड़ी को अपना ठीक कराने हुए, तो आपको पूरा पूरा गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और अभी हम गाड़ी के अंदर है, यहाँ जहाँ पे रिपेयर हो रही है उनका शॉप है भैया का, तो वहाँ पे हैं पूरे पूरा। और जो भी होगा प्रॉपर रिपेयर होगी क्या होगी सब कुछ बताऊंगा, तो बने रहो ब्लॉग पे, दिखाता हूँ आपको गाड़ी की कंडीशन कैसी होगी। Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart. हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है पूरी की पूरी, जो तारे खा रखी थी चूहों ने अच्छे तरीके से खा रखी थी। चेकिंग होगी इसकी, कहीं ऐसा ना हो वो आ गए वो लगने के बाद भी उड़ जा। अब तो फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है भैया ने, थोड़ा क्लीन व्लीन कर दिया गाड़ी का। हाँ और देखो यहाँ पे किस तरीके से हो रहा था, भैया ने पूरा खोल दिया है गाड़ी एकदम से। एक तरह से बोला जाए तो गाड़ी की ऐसी तैसी हो चुकी है पूरी। और इसी गाड़ी का ECM भी लग रहा है इशू आ रखा था, ECM मंगा रखा है गाड़ी का। और देखो गाड़ी का देखो क्या चूहे ने ऐसी कर रखी है ना, कोई हद नहीं है। और भैया ने पूरा पूरा गाड़ी का इस तरीके से हाल हो रखा है। और ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे वाइट वाइट कलर के जो जितने भी है सारे के सारे चूहों ने ऐसी तैसी कर रखी है पूरी गाड़ी की। तो आप देखते हैं यार प्रॉपर ये सेट होती नहीं तो ना, तो बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। पूरी वायरें सारी चेंज हो रखी हैं, अब ECM जो उसका ख़राब हुआ है वो भी। और भाई ये कर रहे हैं, जब पूरी गाड़ी बन जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि गाड़ी कैसे क्या क्या चीज़ें इशू आई थी। बट छोटी मोटी जो हमने देखा है छोटी मोटी चीज़ें तो भैया ने कर दी हैं। ये देखो पूरी पूरी वायरिंग की ऐसी तैसी हो रही है। सच्ची कहूँ नुकसान बहुत अच्छा खासा किया है चूहों ने। फिर ऐसा मन करता है ना चूहों को धड़ पड़ मारे पूरी ऐसी। अब पूरी चलो फिर आप देखते हैं यार कब तक ये ठीक होती है। अभी लगेगा 2-3 दिन और टाइम लगेगा। और आगे का बोनट हम दिखाते हैं अभी खोल के कि क्या सीन हो रखा है। ये देखिए पूरी वायरिंग खोल रखी है भाइयों ने। यहाँ पे पीछे से डिस्कनेक्ट कर दी थी, अंदर से ये पूरी डिस्कनेक्ट कर दी थी पीछे से। ये ECM का शॉर्टिंग कपलर है, वो ECM के अंदर शॉर्टिंग है, उसको सारा इशू है। वो पीछे वायरिंग काटने से ना चूहों ने ये देखो ये भी यहाँ तक ये भी खा रखी है उनने बकायदा। और बहुत चीजें इशू हैं गाड़ी के अंदर। इशू मान लेते हो क्या कहते चूहों ने जो कर रखी है वायरिंग पूरी अच्छे से कुतर कुतर के ना। अब भैया ने वायरिंग पूरी देख ली है प्रॉपर और ECM ने ऑर्डर कर ही रखा है। तो अब जब पूरा बन जाएगी गाड़ी तो मैं बताऊंगा कि गाड़ी का क्या क्या चीज़ें हमने चेंज करी हैं, कैसे हुई है और कितना रुपया हमें लग गया। बट ओवरऑल हमारा लग गई है लंका, ये है बोलने का मतलब। तो मिलते हैं फिर आपको बाद में। उसने बोला ही नहीं, मेरा जो बंदा है ना जिसे मैं गाड़ी ठीक कराता था उसने मुझे बोला जिस दिन गाड़ी खड़ी हुई रास्ते में, तो उसने मुझे बोला कि मेरे गैराज में कहाँ लगा दो। मैं अपने रोड साइड असिस्टेंट से बात करता था पर आपके दो बदलू। और बाहर हो रही है धूप मस्त, और बाहर हो रही है धूप मस्त। हम ले रहे हैं धूप और थोड़ी गाड़ी देखने आए थे कि क्या क्या काम हो रहा है गाड़ी पे। तो आप जाएंगे पूरा का पूरा भाई बात कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें और दिक्कतें हैं, क्या है मिस्त्री किस किस ने इस पर कितनी बार काम किया हुआ है, तो सारा भैया बात डिस्कस कर रहा है। और ये पूरी मार्केट ये उसी की है, गाड़ी और ऑटो रिपेयर सारा कुछ होता है इसमें। तो यार जब पूरा फाइनल हो जाएगी गाड़ी, जब पूरी प्रॉपर ठीक हो जाएगी तो आपसे मिलता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो मिलते हैं बाद में। Yeah.
चेक करो। इसका लगा लेना है ना, यह आया सही है। और फाइनली इसका ECM भैया ने ऑर्डर कर दिया था तो आज आ गया था, वो भी दिखाता हूँ आपको। अभी इसमें टेस्ट कर रहे हैं, गाड़ी फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो इसके फैन हैं, थोड़ा वॉइस कम आ रही होगी तो उसे थोड़ा इग्नोर करना। और इसका जो फ़ैन था वो चेक कर रहे थे भैया कि चल रहा है, जो इसका फ़ैन था वो ऑलमोस्ट 103 पे चालू हुआ था और उसके बाद रिवर्स जैसा होता ही है गाड़ियों पे, तो प्रॉपर अब चलने लगा है फ़ैन। ये देखो ECM लगाने के बाद ये चालू तो हो गई है। अभी अंदर भैया और कुछ चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें और चेक कर रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको ECM की हालत भी दिखा दूंगा, ECM कैसा हो रहा है। फाइनली भैया ने गाड़ी तो स्टार्ट कर दी, अभी वो गियर का चेक कर रहे हैं, गियर शिफ्टिंग में थोड़ा शायद इशू आ रही है, अभी प्रॉपर पता चलेगा। और ये अभी अंजर पुंजर सब इसका चीर हलन हो रखा है कुछ इस तरीके से। और इसमें अभी और क्या चीज़ था, इसमें अभी और चीज़ें भी देखनी है भैया ने कि क्या क्या इशू हैं कुछ। इसमें जो ये कंसोल दिख रहा है इसके अंदर बहुत सारी एरर्स आ रहे हैं, तो उनको भी रिसॉल्व करेंगे भैया, देखते हैं कब करते हैं। और बोल रहे हैं कि अभी कल करेंगे, देख चेक करेंगे। तो अभी चलो अंदर जाता हूँ, मैं ECM दिखाता हूँ आपको कि ECM का क्या हाल था, ECM दिखाता हूँ आपको। और अब आ गए हम भैया की दुकान पे, और ये है ECM। इसके अंदर जो था ECM वो शॉर्ट हो रखा था, यही है पूरा। इसके अंदर खोल के कैसे दिखाऊंगा वो तो समझ जाओ, ये पूरा शॉर्ट है। और जो ये पार्ट है, रुपये एक मिनट, और चीज़ें भी हैं इसमें। ये इसका डैशबोर्ड का, जिसमें सब कुछ मैंने बताया था कि क्या कहते हैं इशू आ रही है, तो प्रॉपर ये सारी चीज़ें इसके साथ हो रखी हैं, ये सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं भैया ने। गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, अभी भैया देखेंगे थोड़ा और क्या इशू है इसका, सुबह शिफ्टिंग का क्या इशू है। जब वो हो जाएगा प्रॉपर, जब गाड़ी पूरी पैक हो जाएगी तो मैं आपको पूरा एक बता दूंगा कि दीप में की क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें थी, वो पूरा पूरा एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो फिर मैं मिलता हूँ जब ये गाड़ी अपने को डिलीवर हो जाएगी। और आज है तीसरा दिन, और आज यहाँ रखे थे हम गाड़ी को देखने, और गाड़ी प्रॉपर चल रही है, इसके सारा कुछ काम है। बस बैटरी थोड़ी उसकी ख़राब हो गई थी, तो बैटरी थोड़ा रिचार्ज कर रहे हैं, देखते हैं कि वो वर्क करती नहीं करती। और ये पूरा इक्विपमेंट खुले हुए हैं, ये पैक करके होने जा रही है कोडिंग। इसके बाद देखते हैं ये सारा का सारा, इसका स्टेयरिंग का लाइट जो ये देखो ब्लिंक हो रही है, ये सारी सारी होने वाली है कोडिंग इनकी सारी सारी। ये जाएगी दिल्ली गाड़ी और वहाँ पे कोड करके लाएंगे भैया। सारा का सारा पार्ट खुले हुए हैं, तो ये सारा का सारा होगा कल परसों तक, या दो तीन दिन लगेंगे और इस गाड़ी पे करने का, क्योंकि भाई भी अपनी तसल्ली करके प्रॉपर करके देंगे और गाड़ी का देगा। यार कहते ना, दुखी कर दिया इस गाड़ी ने, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं गाड़ी का, छोटी छोटी चीज़ के बाद इतनी चीज़ें आ जाएगी ना इसके अंदर की दिक्कतें। पहले कुछ कट गया है, जब से चूहों ने वायर काटी है तब से इसमें यही दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सारा का सारा हो चुका है फाइनली, अब ये सारा कुछ पैक होगा और हम निकल रहे हैं घर को। खाना नहीं खाया, खाना खाएंगे, भूख लगी हुई है। और सामने ये दुकान है, ये रही रहमान मोटर्स के नाम से, जिनने ये गाड़ी पूरी रिपेयर करी है अभी प्रॉपर। जब क्या कहते हैं पूरी हो जाएगी, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये हुआ है, ऐसे हुआ है। तो अभी निकल रहे हैं हम घर को, भूख लग चुकी है हमें बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे, जब तक टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, मौज करो रोज।